कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार पर मेघालय में हिंदुत्व आधारित संकीर्ण विचारों को प्रोत्साहन देने का आरोप लगाया है। थरूर ने मतदाताओं से अपील भी की है कि वे भाजपा को वोट न दें। बता दें, मेघालय में विधानसभा चुनाव 27 फरवरी को होने वाले हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस सरकार की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसे महसूस किया जा सके। वह भारत के स्वभाव को बदलने का प्रयास कर रही है, जो संभव नहीं है। जिस भारत को बनाने में हमने 70 साल लगा है, उसे तहस नहस किया जा रहा है। यह देश सभी तरह के लोगों का है, सभी धर्मों, जातियों और संस्कृतियों का है। इस सामंजस्य वाले भारत के माहौल को बिगाड़ने की हिम्मत एनडीए की पिछली सरकार भी नहीं कर पाई थी। थरूर को इस सरकार के दो चेहरे लगते हैं, मेघालय के लिए अलग चेहरा और बाकी राज्यों के लिए अलग चेहरा। मेघालय में वे दोनों हाथ खोलकर ईसाइयों पर धन लुटाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में गारो हिल्स में ईसाइयत की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विदेशों से भारत आने वाले लोगों को वीजा देने से मना किया जा रहा है। थरूर ने आगे यह भी कहा कि यहाँ भाजपा के लोग कहते हैं, आप जो खाना चाहें खा सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में बीफ खाने के शक पर इंसान को मार दिया जाता है। लगता है कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने बयान के माध्यम से मोदी सरकार द्वारा जनता के साथ हो रहे भेदभाव को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।